वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को वो बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती हैं कोई भी एग्जाम हो नॉट ओनली सी एस आई आर कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि हर एक एग्जाम को स्टार्ट करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है बट द फैक्ट इज सारे एग्जाम का जो इनिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं ज्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं लेट्स so सी कि आप कैसे किसी भी एग्जाम को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं ये छह पॉइंट्स को आपको बहुत ही दिमाग लाइक like ध्यान से जो है दिमाग में रखना है जब भी आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सपोज जैसे कि मैंने इस टॉपिक को टाइटल दिया है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो इट मे बी एनी एग्जाम इट मे बी सी एस आई आर बार्क दैट इज गेट आई सी एम आर डी बी टी एनी एग्जाम चाहे किसी भी एग्जाम को आप टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स हो जो सबसे पहले आपका मेन टारगेट होता है नो एवरीथिंग अबाउट दी अबाउट दैट एग्जाम फ्रॉम द गूगल गूगल पे आपको सभी टाइप के इन्फॉर्मेशन वहाँ देखने को मिल जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट सर्च करना नहीं चाहता है स्टूडेंट इसे मैसेज करेगा उसे मैसेज करेगा किसी और से पूछेगा कि मैं इस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ बताइए क्या करें ठीक है तो स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं मानो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन कि क्या करें तो आप यहाँ पे किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए बैठे हैं तो किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसका इनिशियल जो स्टेप होता है वो लगभग हर एक एग्जाम के लिए सेम होता है तो सबसे तो पहले आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो मेन पहली चीज ये होती है कि आपको सब कुछ जानना है उस एग्जाम के बारे में उस एग्जाम की फॉर्म कब आती है उस एग्जाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कैसा होता है कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं कितनी नेगेटिव मार्क्स होती हैं और इतने ही नहीं इनफैक्ट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम को टारगेट करने का एम बनाया है तो आपको तो अपने पास एक डायरी रखनी चाहिए उस डायरी में एग्जाम का नाम और उसके साथ उसके जितने भी पैटर्न होते हैं लाइक मेरे पास भी एक डायरी हुआ करती थी जब मैं लाइक जब मैं अपने मास्टर के टाइम में मैंने बहुत से एग्जाम्स को टारगेट किया था

बट आजकल के स्टूडेंट किसी भी चीज को लेकर सर्च तो करना ही नहीं चाहते दे दे डोंट वांट टू एक्सप्लोर दिल्फ उन्हें एक्सप्लोर नहीं करना वो एक्स को मेल करेंगे जेड को मैसेज करेंगे इसका पैटर्न बता दीजिए उसका पैटर्न बता दीजिए तो ऐसे नहीं चलता है इस किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जस्ट एक्सप्लोर इट ऑन गूगल पता कीजिए कि वो एग्जाम है क्या और उससे क्या मिलने वाला है काफी बच्चे जो हैं किसी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और उनसे पूछा जाए कि वो क्या करने वाले हैं इसका तो उनको पता नहीं होता कि वो क्यों कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके बगल वाला कर रहा है वो भी लगे हुए हैं तैयारी में तो पहले आपका एम डिसाइड होना चाहिए कि आपको वो एग्जाम देना है या नहीं और देना है तो क्यों देना है किस लिए देना है उसका आगे चल के आप क्या इस्तेमाल करने वाले हो ठीक है तो ये था पहला पॉइंट नो एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम फ्रॉम द गूगल नेक्स्ट सिलेबस डाउनलोड आपको आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस आपको ऑनलाइन अवेलेबल होता है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है दैट इज यूट्यूब पे जाइए पे कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो कोई भी एग्जाम आप सर्च कर लीजिए एटलीस्ट मिनिमम तीन से चार वीडियो तो आपको उस पर मिल ही जाएंगे और अगर उसका सिलेबस गूगल पे अवेलेबल नहीं है तो उसका सिलेबस आपको फिर कोई एक एक्सपीरियंस इंसान ही बता सकता है जिसने उस टाइप के एग्जाम को पहले दिया हो और अगर आपके दैट इज जान पहचान में या आपके किसी कॉन्टेक्ट में या फिर आप किसी को ऐसे जानते हो या यूट्यूब पे कोई ऐसा है जो आपको दिख रहा है कि यस उसने वो एग्जाम दिया है लेकिन उसका एक, उस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है गूगल पे अवेलेबल नहीं है तो उसको एक फॉर्मल मेल भेजी अगर सामने वाला इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपको रिप्लाई देगा ठीक है लेकिन मैक्सिमम एग्जाम के जो सिलेबस होते हैं वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल होते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना पड़ता है वहां से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हो उसका सिलेबस पता होना जरूरी है तभी तो उसके बाद ही आप प्रिपेयर कर पाओगे थर्ड पॉइंट पीवाई का अरेंजमेंट, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अरेंजमेंट कोई भी एग्जाम हो मैक्सिमम दैट इज मोर देन 95 जो एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं एक आद को छोड़ के जैसे कि आईसीआर कहीं नहीं मिलेगा PYQ, का कहीं नहीं मिलेगा जल्दी तो कुछ कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दैट इज uh, सामने नहीं देते हैं गूगल पे या फिर कहीं भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट एज अ डेमो पर्पस दिए होते हैं तो आपको उन्हें गूगल से डाउनलोड करना है अब गूगल पे आपको पेपर्स के नाम लिखने होते हैं उसको लेकर सर्च कर, कर लीजिए कोई ना कोई पेपर आपको इजिली अवेलेबल मिल जाएगा फोर्थ दैट इज नोट्स एंड बुक सोर्सेस कोई भी एग्जाम आप ट्रांडेट कर लीजिए उसके लिए बुक्स का अरेजमेंट नोट्स का अरेंजमेंट नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स ले लीजिए बुक अवेलेबल है मार्केट में तो बुक खरीद लीजिए लेकिन जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए नोट्स और बुक की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अब अगर आपको बने बनाए नोट्स मिल जा रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड बने बनाए नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो बुक लीजिए बुक अगर ठीक ठाक है पढ़ने में आपको लग रहा है कि नहीं रिवीजन टाइम भी इसी से काम चल जाएगा तो रहने दीजिए नहीं चलेगा तो बुक से नोट्स पे स्विच कीजिए मतलब बुक से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन टाइम में हेल्प मिल सके फिफ्थ ड्यूरेशन डिसीजन मतलब कि कितना टाइम बाद वो एग्जाम होता है और आपके पास कितना टाइम है क्या उस टाइम में आप खुद को प्रॉपरली रेडी कर पाओगे उस एग्जाम के लिए और अगर नहीं तो आपको कितना वक्त लगने वाला है अगर एक साल का टाइम लगने वाला है तो अपना पूरा एक साल लीजिए अच्छे से लेकिन उसको प्रिपेयर करने के बाद ही डिसीजन लीजिए कि यस ये एग्जाम मैंने इस बार जो है क्लियर करके निकाल देना है क्योंकि जब हमारी तैयारी पूरी नहीं होती और हमारे एक्सपेक्टेशन हाई होते हैं तो वो हमें नीचे गिरा देते हैं क्योंकि दैट इज फॉर श्योर कि अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेशन हाई है तो एग्जाम में तो जाकर आपका हो नहीं। लिया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए बट रियालिटी ये की आपने कभी उतना प्रिपेयर किया ही नहीं था कि आपके एग्जाम क्लियर हो जाए ठीक है सिक्स टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर लीजिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो टाइम कैसे हाथ से निकल जाता है पता भी नहीं चलता है तो किसी भी एग्जाम को लेकर आप टारगेट करें आपको अगर चाहिए कि यस ये पोर्शन कितनी देर में कंप्लीट करना है इसके लिए आपके पास एक टाइम टेबल रेडी रहना चाहिए और तो अभी हम इतने छोटे बच्चे हैं नहीं कि यस छे से सात ये करना है आठ से नौ ये करना है लेकिन एक फिर भी एक रफली बेसिस पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है और टाइम मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब आपको अपने पढ़ने का टाइम डिसाइड कर लो कि यस इतने से इतने बजे के बीच में पढ़ना है और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा पढ़ना है मतलब कि पढ़ना है उस टाइम पे और कुछ भी काम वहां पे नहीं करना है एंड लास्ट गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट इफ पॉसिबल कोई भी एग्जाम हो किसी ना किसी से तो आपने सुना होगा वो चलिए मान लेते हैं नहीं सुना है आपने वो एग्जाम टारगेट किया है बट कोई ना कोई आपको आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे मतलब कि टीचर्स एजुकेटर्स अवेलेबल है सब ने कोई ना कोई एग्जाम टारगेट करके रखा ही है बस जरूरत पड़ती है खोजने की अगर आपको कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाता है या फिर एक्सपर्ट ना कहें तो कोई अगर ऐसा इंसान मिल जाता है जिसने वो एग्जाम दिया हो या फिर क्लियर किया हो तो आप, आप उससे एक रफ आइडिया ले सके कि क्वेश्चन कैसे आते हैं या फिर ये तो वैसे क्वेश्चन पूछना ही गड़बड़ गलत होता है क्योंकि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं जो भी एक जनरल गाइडेंस होता है कि यस मतलब प्रिपरेशन कितने अच्छे कितने लेवल तक रहने से अच्छा होगा क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसको कि हमें ध्यान देना चाहिए कौन सी ऐसी गलती होती है जो नहीं करना चाहिए इस टाइप की हेल्प आप उस एक्सपर्ट से ले सकते हो जिसने ये एग्जाम क्लियर किया हो या फिर जिसने इस एग्जाम को दिया हो ठीक है तो ये सब कुछ

नया स्टूडेंट या फिर जो स्टूडेंट पहली बार सोच रहा है कि सी एस आर का प्रिपरेशन करो या ना करो उसके लिए कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं जो कि प्रिपरेशन के टाइम पे उसको ध्यान देना पड़ता है सो थैंक यू सो मच एवरी वन वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं